मैं नाजमाबाद 7 नंबर पर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो अंडरपास है जो कि नाजमाबाद 7 नंबर से ईदगाह और पेट्रोल पंप की तरफ जाता है, ये इस वक्त यहाँ पर इसमें पानी जमा है, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक जो है जो कि 4 व्हील गाड़ियाँ हैं उसके लिए इस अंडरपास को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल सवारों के लिए इस अंडरपास पे जाना जो है वो मना किया हुआ है। और यहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों को रोकने के लिए बिलखसूस अगर बात करें सिटी वार्डन्स की तो वो अपने फ़रायद अंजाम दे रहे हैं। सूरत हाल जान दें, आप ये बताएं क्या सूरत हाल है और कौन कौन सी ट्रैफिक अलाव है यहाँ पर? यहाँ पर जितनी भी 4 व्हील हैं वो सब जा रही हैं। मोटरसाइकिल को हमने एहतियाती तौर पर इसलिए रोका है कि सुबह के टाइम 2 बाइकें स्लिप हुई, अभी इतना पानी है कि मोटरसाइकिल के पिलक में पानी चला आता है, अंदर पानी में ख़राब हो जाती है, उनको इसलिए रोका है वरना 4 व्हील तमाम गाड़ी जा रही हैं। अच्छा, वाटर बोर्ड का अमला आया है इसकी निकासी के लिए, कोई सूरत हाल बेहतर करने के लिए कोई अमला आया? वाटर बोर्ड का अमला अभी भी काम कर रहा है इस साइड वाले पे, पहले इधर काम किया उन्होंने, अब वो इस साइड पे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ये कब तक रोड खोल दिया जाएगा मोटरसाइकिल सवारों के लिए, कुछ आइडिया? ये आधे घंटे में खुल जाएगा सबके लिए। जी बिल्कुल, ये थे सिटी वार्डन जो कि सुबह से ही यहाँ पर अपने फरायद अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि बारिश हुई, बारिश के बावजूद सिटी वार्डन जो है वो अपने फरायद अंजाम देने में मसरूफ़ हैं और बिलखसूस मोटरसाइकिल सवारों को रोक रहे हैं। इनका कहना है कि वाटर बोर्ड का अमला इस अंडर पास के दोनों तरफ जो है वो काम कर रहा है और जल्द जो है वो इस अंडर पास को तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।